हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। आज मैं बनाने वाली हूँ दही वाली मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने भिंडी को रात को ही वॉश कर लिया था, जिससे कि उसका पानी सूख जाए और इससे ये चिपचिपे भी नहीं रहते हैं। उसे अच्छे से आगे पीछे से कट करके बीच से चीरा देके आपको इसे काट लेना है और फिर उसे सरसों तेल की हेल्प से इसे आपको फ्राई करना है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज आने तक आपको इसे फ्राई कर लेना है। और अब इसी कढ़ाई में बनाएंगे हम मसाला भिंडी। सरसों तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें डालिए जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, कसूरी मेथी, मीडियम साइज का एक प्याज कट किया हुआ। कलर आने तक हमें इस प्याज को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हमने आधा कटोरी दही ले लिया है, जिसे हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। अब हम प्याज चेक करते हैं, इसका भी कलर परफेक्ट आ चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का हमने एक दरदरा पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। इसमें दो हरी मिर्च है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और 8 से 9 लहसुन की कलियां हैं। अब कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, इन्हें हम थोड़ा चला लेते हैं और इसे अच्छे से भुनने के लिए, ये मसाला जले ना, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसे 1 से 2 सेकंड आपको मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है, जिससे कि मसाले थोड़ा भुन जाए। कलर के लिए इसमें डेगी मिर्च ऐड कर देंगे, जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब जो हमने दही मिक्स किया था वो डालेंगे और फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए। थोड़ा पानी और ऐड कर दें आपको गाढ़ी लगे तो, और आपको इसे लगातार चलाना है। जब एक उबाल आने लगे तब आप थोड़ा रुक सकते हैं, नहीं तो आपको लगातार चलाना है, जिससे कि हमारी दही फटे ना। और अब देख सकते हैं जब इसमें बॉईल आने लगे तब हमने इसमें अपनी भिंडी फ्राई की हुई डाल दी है, और अब तक हमने नमक नहीं डाला था तो अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। और अब हमें इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे ही 5 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। जब आपका 8 मिनट कंप्लीट हो जाए तो आप चेक करें, आपकी दही वाली मसाला भिंडी बनके एकदम तैयार हो जाएगी और ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। 10 मिनट में बन भी जाती है, सुपर टेस्टी चावल, पराठा, प्लेन रोटी, जिसके साथ भी सर्व करना चाहें।